हे वन आई होप यू आर लर गुड हेलो एंड वेलकम एवरी वन टू द सेशन टुडे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रॉम योर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बन रही है एज यू ऑल मज बी नोटिसिंग दिस थिंग दैट एन टी ए इज़ गेटिंग वेरी क्रिएटिव विद इट्स क्वेश्चन चॉइसिस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही न्यू टाइप के क्वेश्चन बना रहा है एन टी ए तो वी शुड नॉट टेक एनी चांसिस एंड वी शुड कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम योर सिलेबस सो एक ऐसा ही टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जहाँ पर हम लोग यूनिट नंबर टू से कमीशन्स इंडियन एजुकेशन कमीशन्स एंड साथ ही साथ उनके चेयरमैन के बारे में थोड़ा समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन से चेयरमैन की क्या लाइफ एंड क्या इंट्रो है इन्फॉर्मेशन उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और साथ ही साथ उन कमीशन के बारे में भी थोड़ा सीखेंगे ठीक है सो इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो ठीक है काफ़ी ही कम्प्राइज तरीके से हम लोग इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे एक बिल्कुल शॉर्ट नोट तरीके से है ये सब मेरे ही नोट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ सेशन सो होपफफुली आप लोग को ये सेशन समझ आएगा हेल्पफुल लगेगा सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पेडागॉग के बारे में भी बताना चाहूँगी दैट इज़ माई लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में ही मिल जाएगा सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आप मेरे लाइव क्लासेस देख सकते हो इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज को भी अटैम्प्ट कर सकते हो फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ ऑल द क्वेश्चन आर इन यूनिट वाइज पैटर्न ठीक है तो आप लोगों को बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेहनत तो करना है वो अपने हिसाब से एग्जाम की प्रिपरेशन में करनी है बट क्वेश्चन ढूंढने में आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है अगर ऐसा आपको चाहिए ताकि ईजिली सारी यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप लर्निंग पेटागॉग लर्निंग ऐप को एक्सेस कर सकते हो Link is in the description box. So, let's start the session without uh, wasting any more time. So, the first education commission, that was the University Education Commission of Independent India. It came in 1948 and 49. Its chairman, jo the, chairman jo the, uh, that is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. he was an Indian politician, philosopher, second president of India. Um, his tenure was 1962 to 67 and also the first president of India. ठीक है सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे 1952 टू टू फिफ्ट टू एंड ऑल्सो इनका जो जन्मदिन है बर्थ डेट दैट इज़ फिफ्थ सेप्टेम्बर इसको हम टीचर्स डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं सो so याद रखिएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फोर्टी एट फोर्टी नाइन द वेरी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है इसके बाद आया नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दिया था सर आरकॉट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उनका नाम आपने सुना होगा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से तो कंप्लीट नेम फुल नेम हुआ आरकॉट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 1952 फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री में ये कमीशन आई काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन थी जो कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था डिटेल में ये डिस्क्राइब किया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए साथ ही साथ ये एक एजुकेशनिस्ट थे एक फिजिशियन थे एंड ऑल्सो ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स ओके सो अगेन इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा ही है एजुकेशन कमीशन में देन कम्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट डिटेल्ड एजुकेशन कमीशन ऑफ ऑल टाइम्स आफ्टर एनी बी ट्वेंटी ट्वेंटी ऑबियसली सो नेशनल एजुकेशन कमीशन आया था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी uh, के चेयरपर्सन शिप के अंडर 1964-66 के दौरान ये आया था ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट एजुकेशनिस्ट ये इस्टेबलिश उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन यूजीसी और एनसीईआरटी के इस्टेबलिशमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एंड ऑल्सो ही इस्टेब्लिश द डिफेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और इनका जो ताल्लुका था वो फिजिक्स फील्ड से था ओके सो अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम देन कम्स द रिव्यू कमेटी 1990 की रिव्यू कमेटी किस चीज़ की रिव्यू कमेटी थी ये 1986 की जो एन थी उसकी रिव्यू कमेटी थी ओके okay. um, दौलत सिंह कोठारी जी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं तो नॉट ओनली कोठारी एजुकेशन कमीशन इसके अलावा जो 1968 की एन एंड नाइन्टीन एटी सिक्स की एन ई पी आई इन दोनों ही एन ई पी में इनकी जो कमीशन थी दैट इज़ कोठारी एजुकेशन कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन इन्हीं के पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया बहुत सिक्सटी एट है नाइनटीन एटी सिक्स में ठीक है तो इनका कंट्रीब्यूशन इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा था इसके अलावा रिव्यू कमेटी 1990 में जो आई वो 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ही रिव्यू की बात कही गई थी यहाँ पे इसके चेयरपर्सन थे आचार्य राममूर्ति ही वाज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट गांधीन थे एजुकेशनिस्ट थे अकेडमिक्स से इनका काफ़ी ज़्यादा ही रिलेशन था इसके अलावा और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप जो भी कमेटी या कमीशन पढ़िए मेक श्योर कि आप उस रिपोर्ट का टाइटल भी याद रखो ठीक है ये भी आप लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ तो टाइटल ऑफ़ द रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि रिव्यू कमेटी आचार्य राममूर्ति रिव्यू of 1990 इस रिपोर्ट की टाइटल थी टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमेन सोसाइटी ठीक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से एक क्वेश्चन भी आ चुका है सो टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमेन सोसाइटी इस रिपोर्ट का टाइटल था इसके अलावा अगर हम लोग कोठारी कमीशन की बात करें तो इस रिपोर्ट की टाइटल थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ठीक है Again. जो भी टाइटल पढ़िए जो भी रिपोर्ट पढ़िए उसका डेट और टाइटल पक्का से पढ़ना और साथ ही साथ चेयरमैन का नाम रखना याद रखना ठीक है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके देन कम्स केप कमेटी जिसका दूसरा नाम जनार्दन रेड्डी कमेटी है ये भी एक पी uh, uh, है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है पी ओ के नाम से जाना जाता था ठीक है जिसका दूसरा नाम केप कमेटी भी है 1992 में ये आया था एंड जनार्दन रेड्डी वाज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983 के दौरान आया था ये इसके चेयरपर्सन थे डी पी चट्टोपाध्याय ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च दैट इज प्रेजेंट इन लोकेटेड इन न्यू डेली ठीक है Research, in, in तो इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा टीचर्स वेलफेयर टीचर्स सैलरी टीचर्स स्टेटस को आगे बढ़ाने के बारे में इस रिपोर्ट ने काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही थी नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स एनसीएफ सी टू थाउजेंड फाइव नाउ एनसीएफ सी एफ टू थाउजेंड फाइव वॉज गिवन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर प्रोफेसर यशपाल बट बस यहीं तक इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था इसके अलावा 1993 की रिपोर्ट आई उनकी एंड साथ ही साथ 2009 की भी इनकी रिपोर्ट आई ये दोनों रिपोर्ट में भी इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था सो so, एनसीएफ 2005 तो यशपाल कमेटी के अंडर बना था एनसीआरटी के अंडर एनसीआरटी ने इसको रिव्यू किया था ठीक है कंस्ट्रक्ट करवाया था इसके अलावा प्रोफेसर यशपाल का कंट्रीब्यूशन 1993 की रिपोर्ट में भी है जिसको कहा जाता है लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन ये रिपोर्ट आई थी 1993 में एंड ऑल्सो 2009 की रिपोर्ट जहां पे रिनोवेशन एंड रिजुवनेशन ऑफ हायर एजुकेशन ये सारे ही काम इनके लीडरशिप के अंडर हुआ था सो so, ये एक साइंटिस्ट एजुकेटर एजुकेशनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं इनके कंट्रीब्यूशन स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेस फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ठीक है सो ये सारे ही काम प्रोफेसर यशपाल का है इसके अलावा आते हैं कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ़ एन ई पी जब भी हम एन ई को पढ़ते हैं एन ई पी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एट इन दिस केस बट उस थ्योरी को या फिर उस पॉलिसी को पढ़ने से पहले हमें कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ़ एन इसको भी निगलेक्ट नहीं करना है ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कहीं ना कहीं ये एन 2020 पी की नींव रखने का काम करता है ठीक है सो कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ एन 2016 में आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ टी एस आर सुब्रमण्यम एंड ही ऑज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक ब्यूरोक्रैट थे इनका भी कंट्रीब्यूशन एन ई की नींव रखने में फाउंडेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना द मोस्ट रिसेंट वन दट इज़ एन डी पी ट्वेंटी ट्वेंटी ड्राफ्टिंग कमिटी जो ट्वेंटी ट्वेंटी में आई द रीसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द मोस्ट कॉम्प्रेंसिव वन द मोस्ट डीटेल्ड वन जो कि हर एक पहलू को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की बात करता है यह आया है अंडर द लीडरशिप ऑफ के कस्तूरी रंगन ही इज़ एन इंडियन स्पेस साइंटिस्ट इसरो हेड थे ये फॉर्मर इसरो हेड थे चांसलर ऑफ़ राजस्थान यूनिवर्सिटी या नीट यूनिवर्सिटी है प्रेसेंट में ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर चांसलर ऑफ जे एन यू इसके अलावा यानी कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी और प्रेजेंट में ये कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी थे ठीक है तो ये सारे ही पॉइंट्स थे ये सारे ही कमीशन एंड कमेटी एंड पॉलिसीज थी जिनको मुझे डिस्कस करना था अलोंग विद य चेयरमैन तो याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको करनी है पहला तो एजुकेशन कमीशन या कमेटी या पॉलिसीज़ के नाम याद रखने हैं उनके डेट्स याद रखने ट्राई कीजिए कि उनको आप टाइमलाइन के हिसाब से डेट याद रखो कि कौन सा पहले आया उसके बाद सारी चीज़ें तो नेम डेट चेयरमैन का नाम एंड साथ ही साथ टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ये चार चीज़ें आपको हर एक कमीशन कमिटी एंड पॉलिसी में याद रखना होगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई कीजिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना तो ही आपको याद रहेगा ठीक है तो ये सारी है, आप देख सकते हो ये सारी है नोट्स के पैटर्न में ये सारे मेरे खुद के ही नोट्स हैं और जिसको मैंने एक पीडीएफ का रूप दिया है तो जब आप भी कोई भी ऐसे स्टडी कर करते हो जब भी आप खुद भी कोई वीडियो देखते हो तो उनको भी ट्राई करो कि शॉर्ट हैंड्स में अपने नोट्स की तरह उनको बनाओ ये हेल्प करेगा आपको चीज़ों को याद रखने में और बहुत ही सिंपल तरीके से उनको समझने में तो so, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा एक्चुअली में काफ़ी हेल्पफुल है आई वुड आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन सारे पोर्शन से भी खुद के नोट्स uh, बनाइए ताकि और ईजी तर, तरीके से और सिंपल तरीके से आप इनको याद रख पाओ एंड अगैन यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं ठीक है अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो ऑलरेडी डी एस कोठारी से क्वेश्चन आपका बन चुका है ठीक है कि उनका क्या रोल uh, था सो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनको पढ़ना और और इनकी जीवनी को भी थोड़ा थोड़ा याद रखना इसके अलावा मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो इन सक्षम बैच सक्षम पेपर टू बैच आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर एजुकेशन इसके अलावा आप मुझे आप मेरे टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो फॉर अभ्यास पेपर वन एंड पेपर टू जहाँ पे आपको सारे ही यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन पी वाई कि उसके सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा एंड साथ ही साथ ऑफ ऑल द शिफ्ट पेपर वन के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज तरीके से मिल जाएगा ठीक है सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा इन दे इन केस यू फाउंड इट यूजफुल प्लीज कंसीडर लाइकिंग द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड साथ ही साथ बने रहेगा चैनल में क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी सो थैंक यू सो मच टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन बाय टेक केयर